Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के गति नाम के चैप्टर को, गति या मोशन भी जिसे कहते हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सहित बात करेंगे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस उठते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बनकर आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं सुमित मिश्रा सर्च करके। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर भी मैं काफ़ी सारे कोर्स अपलोड कर रहा हूं, तो वहां से भी जुड़कर आप लोग फ्री में वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं दूरी की डिफिनेशन क्या होती है। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो दोस्तों, किसी दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई टाइम दे दिया जाता है तो एक स्थिर वस्तु के सापेक्ष जब कोई दूसरी वस्तु चाल चलती है तो वो उस संपूर्ण मार्ग की लंबाई को ही कहा जाता है दूरी। ओके, क्लियर है। ये एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है मीटर, ये तो जनरली सबको पता होगा। चलिए देखते हैं चाल। चाल होता है दोस्तों किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को ही कहा जाता है चाल। दूरी हम लोगों ने जान लिया, प्रति सेकंड चली गई दूरी ही कहलाती है चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, ये भी राशि है अदिश, क्योंकि अदिश राशियों में हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं इनिशियली स्टार्ट करूँ। ओके, तो जिन लोग को पता है ठीक है, जिन लोग को नहीं पता है वो लोग देख लें। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन दोस्तों एक निश्चित दिशा में दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच में लंबवत दूरी को कहते हैं विस्थापन। ओके, अब जैसे मान लीजिए दूरी और विस्थापन में एक अंतर है, देख लीजिएगा। एक तो ये सदिश राशि है, दूसरा ये कि जैसे दूरी ये होता है, मैंने बताया किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में जो संपूर्ण मार्ग की लंबाई होगी वो कहलाएगी दूरी। अब वो चाहे तिरछा मिर्छा हो या फिर सीधा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो किसी भी प्रकार की लंबाई जो होती है इनिशियल पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच में वो कहलाती है दूरी, उस लंबाई को। लेकिन विस्थापन के केस में क्या होता है दोस्तों, विस्थापन के केस में प्रथम पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कहलाता है विस्थापन। ठीक है, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है, और या फिर अगर जैसे सर्कल टाइप का हो तो हम लोग यहाँ से जैसे शुरू किए और यहाँ से आके यहीं पर एंड कर दी, अगर उसी पॉइंट से शुरुआत करके उसी पॉइंट पर फिर आ जाते हैं तो विस्थापन हमारा जीरो हुआ। लेकिन दूरी की अगर बात करेंगे तो दूरी तो हम लोगों ने इतना चला है ना, तो ये इतनी लंबाई होगी दूरी वृत्त में अगर हम लोग चल रहे हैं तो। लेकिन अगर वृत्त में हम लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं उसी पॉइंट पर अगर फिर से स्टॉप हो जाते हैं तो विस्थापन हमारा शून्य हुआ, क्योंकि जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं पर हम लोग एंड किए। तो विस्थापन यही है दोस्तों कि इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है विस्थापन। समझ में आ गया होगा, ये एक सदिश राशि होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। ओके, इसके साथ ही विस्थापन जो होता है इसमें नेगेटिव भी दूरी होती है, पॉजिटिव भी दूरी होगी, क्योंकि दिशा जरूरी है, तो नेगेटिव भी होता है ये विस्थापन का मान, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूरी के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर 5 मीटर किसी मार्ग की लंबाई है तो 5 मीटर उसकी दूरी है, ऐसा नहीं है कि -5 मीटर होगा। ओके, क्लियर है, इसका भी मात्रक मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेग। वेग दोस्तों किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। अभी चाल मैंने बताया था कि दूरी बटा समय होता है चाल, यानी कि प्रति सेकंड जितनी चली गई दूरी होती है वो कहलाती है चाल। लेकिन वेग के केस में प्रति सेकंड में जितना विस्थापित होता है कोई वस्तु वो कहलाता है उस वस्तु का वेग। क्लियर है, वेग भी जब ये विस्थापन पर डिपेंड है तो ये भी सदिश राशि होगी। क्लियर है, तो ये किसी वस्तु के प्रति सेकंड में हुए विस्थापन को ही कहलाता है, कहा जाता है वेग। ओके, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। मीटर होता है विस्थापन का, सेकंड होता है समय का, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका टोटल मात्रक। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब एंड में हम लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इस पर जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हमें आ जाएगा। ओके, त्वरण। अब ये त्वरण क्या होता है,
तो त्वरण दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, वो किसी एक पॉइंट से किसी एक निश्चित वेग में जा रही है, लेकिन जाते जाते अचानक वो तेज़ी से बढ़ जाती है या स्लो हो जाती है। तो जब वो तेज़ी से हो रही है या स्लो हो रही है तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। जब वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रही है कोई वस्तु एक निश्चित वेग से, लेकिन अचानक से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यानी अचानक से उसकी उसका वेग बढ़ जाता है, वो तेज़ी से चलने लगती है या फिर स्लो हो जाता है, तो उसे ही कहा जाता है त्वरण। तो वो अचानक से जो होता है तो वो यानी कि प्रति सेकंड में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा, तो जिस जितने समय में वो इंक्रीज हुआ, वेग में परिवर्तन किया, उसी को कहा जाता है त्वरण। तो यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। अभी मैंने बताया कि वो जैसे कोई पिंड है किसी निश्चित वेग से चल रही है तो तेज़ भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। तो मान लीजिए एक निश्चित वेग से जा रही है और वो तेज़ी से अगर चलने लगती है तो होगा त्वरण। अगर वो वहाँ से स्लो हो जाती है यानी ब्रेक लगता है तब कहलाएगा मंदन। क्लियर है? यानी कि जो मंदन होता है वो त्वरण का एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, मंदन मतलब डीएक्सेलरेशन। ओके, तो त्वरण इसका अपोजिट होता है मंदन का, मंदन मतलब रोकना। अब त्वरण भी वेग पर डिपेंड होता है, इसी वजह से ये भी सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मीटर पर सेकेंड तो होता है हमारा वेग का, और ये कह रहा है वेग में परिवर्तन जितना हो उसके बाद भी प्रति समय में जितना परिवर्तन हो, तो यानी कि मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। अब मान लीजिए, अभी तो मैंने सीधा सीधा बताया, ठीक है, एक रेखा में रेखीय गति बताया। जब मान लीजिए कोई पिंड है और इस प्रकार से गति करती है, किसी एक वृत्ताकार मार्ग को तय करती है, तो जब ये वृत्ताकार के पथ पर चलेगी तो इस प्रकार की गति को कहा जाएगा वृत्तीय गति। क्लियर है? बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग। अब ये कोणीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग तो हम लोग देख लिए, वो जो वेग था एक सीधी रेखा में चल रहे थे तो वो रेखीय वेग था। अब ये जब कोण बनाएगा तो कोणीय वेग होगा। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जब वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण घूमती है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु किसी एक निश्चित वेग से गति कर रही है, ठीक है। तब जब वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो वो त्रिज्या भी कुछ ना कुछ बनाई होगी, ठीक है। जब एक वृत्त बनता है तो उसका त्रिज्या भी होता होगा ना, अगर वृत्ताकार है तो, यानी कि गोलाकार है तो एक निश्चित त्रिज्या पर होगा। तो वो जैसे मान लीजिए इतनी त्रिज्या पर घूम रही है, इस त्रिज्या पर, तो वो अभी यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर आगे होगा, ऐसे से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जब एक पॉइंट से लेकर वो दूसरे पॉइंट तक पहुँचती है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल को, तो वो प्रति सेकंड में जितना एंगल बनाता है उसी को कहते हैं हम लोग कोणीय वेग। ओके, समझ में आ रहा है? अगर कोई वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण है, वो वेग एक निश्चित वेग से चल रहा है, तो वो प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, जितने कोण घूमता है, जितने एंगल घूमता है, उसी को कहा जाता है कोणीय वेग, ठीक है। इसे ओमेगा से डिफाइन किया जाता है। ओमेगा यानी कि 2πn, ओमेगा दोस्तों एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, तो इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओमेगा का मान होता है 2πn। क्लियर है? 2π यानी कि 360 डिग्री हो गया, और n यानी कि आवृत्ति, यानी कितना चक्कर वो लगाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाएगा ओमेगा यानी कोणीय वेग। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर है, इसमें वही एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी 2πrn होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेखीय चाल की बात की जा रही है, तो यानी कि अब हम लोग कोणीय वेग का रेखीय चाल से हम लोग तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रहे हैं तो वो आर त्रिज्या की लंबाई जो होती है, त्रिज्या की लंबाई आर होती है जो, मान लीजिए, ठीक है, तो आर त्रिज्या की लंबाई के साथ जब हम 2πn दूरी तय करेंगे, 2πn के वेग से चलेंगे, तो जो रेखीय चाल होगी वो होती है 2πrn, ठीक है। रेखीय चाल बराबर 2πrn, 2π जानते हैं 360, 360 डिग्री, ठीक है, और r त्रिज्या की लंबाई, n मतलब कितना चक्कर लगाया जा रहा है, ओके। और अभी मैंने 2πn को बताया है ओमेगा, ठीक है, 2πn बराबर मैंने बताया ओमेगा, ओके। तो जब 2πn ओमेगा है तो r भी इसमें दिख रहा है, तो यानी कि हम लोग 2πn की जगह पर ओमेगा लिख सकते हैं। तो रेखीय चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2πn की जगह अगर हम ओमेगा लिखेंगे, बचा हमारा r, यानी कि ओमेगा इंटू r। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि रेखीय चाल और कोणीय चाल में क्या संबंध है।
ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखीय चाल और कोणीय चाल में क्या संबंध है। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, या फिर कुछ और भी, कोणीय चाल बटे त्रिज्या, इसी प्रकार के ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ध्यान रखना है रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। ठीक है, इतना क्लियर है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक समान गति के लिए गैलीलियो के कुछ समीकरण। ठीक है, तो एक समान गति के लिए गैलीलियो ने कुछ समीकरण दिए हैं जिसे गति के समीकरण से भी जनरली जाना जाता है। तो इसमें कहा क्या गया है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a और वस्तु द्वारा यश दूरी चलकर t सेकंड पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाए तो तीन समीकरण होते हैं। जनरली तीन होते हैं लेकिन एक और भी जोड़ा जाता है t में सेकंड में, उसका मैं भी बताऊंगा उसको। ठीक है, पहला जो है वो है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा v बराबर होता है u प्लस ए टी। ठीक है, ये है गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v है जो, ये है अंतिम वेग। ठीक है, लास्ट वेलोसिटी है v, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, शुरुआती वेग या प्रारंभिक वेग जिसे कहते हैं, और a एक्सेलरेशन हमारा t फॉर टाइम। ओके, तो v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, v बराबर u प्लस ए टी होता है गति का पहला समीकरण। क्लियर है। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u मैंने बताया इनिशियल वेग है, प्रारंभिक वेग है, s दूरी है। ठीक है, s दूरी है, v u प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है v। ठीक है, t फॉर टाइम होता ही है। थर्ड जो इक्वेशन दिया है गैलीलियो ने, यह है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अभी ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, इसको याद भी कर लीजिए। ओके, अब एक चौथा समीकरण है दोस्तों जो टीवें सेकंड में यूज होता है। तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर, यानी कि यस टी बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल्स में, इसका यूज हो जाता है। तो यस टी यानी कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है यू प्लस हाफ ए इंटू टू टी माइनस वन। ठीक है, क्या होता है, यस बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू टू टी माइनस वन। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको आप, यस बराबर यस टी बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू टू टी माइनस वन, ये होता है टी वे सेकेंड में चली गई दूरी। तो इसे चौथा भी समीकरण कहते हैं जनरली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का गति का नियम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या होता है, द्वितीय नियम से क्या होता है। तो आप लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। न्यूटन का गति का नियम, भौतिकी के पिता न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वो उसी रेखा में चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाय बार ना लगाया जाए, यानी कि ये जड़त्व का नियम कहलाता है। अगर कोई मान लीजिए पिंड है, अगर वो स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। क्लियर है। अगर कोई एक चल रही है, कोई वस्तु मोशन में है, ठीक है, कोई एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, एक निश्चित वेग से चल रही है, तो अगर आपके आपको उसके अंदर एक्सेलरेशन लाना है तो आपको उस पर बल लगाना पड़ेगा। एफ बराबर एम इंटू ए होता है ना। अगर एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, अभी मैं आगे इसको बताऊँगा, तब उस पर जब तक आप कोई एक्सेलरेशन अगर आप लाना चाहते हैं तो बल नहीं लगाएंगे, तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो निश्चित वेग में चल रही है तो वो एक्सेलरेशन उसका शून्य है, यानी कि आप कोई बल नहीं लगा रहे हैं। जब आप बल लगाएंगे या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तभी उसमें एक्सेलरेशन आएगा। ओके, ये हो गया जड़त्व का नियम, यानी कि कोई पिंड है, एक जगह पर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अब जैसे कोई वस्तु है, उसमें संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन, संवेग होता है m इंटू वी। ठीक है, संवेग कहते हैं m इंटू वी को। तो संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि m v अपॉन t, तो m v अपॉन t यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर जब हो जाएगी तो वो कहलाता है फोर्स। यही है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ओके, क्या है, एम वी अपॉन टी। जनरली तो ये होता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब ये एम इंटू ए कहाँ से आया, तो एम तो हमारा यही संवेग से ले लेते हैं, और वी अपॉन टी, वी अपॉन टी यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया
वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो हम लोग जनरली वी अपॉन टी को ए नहीं लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। तो यह बराबर एम इंटू ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है गुरुत्वीय बल। अब इसी में जब हम लोग ए को गुरुत्वीय त्वरण के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो वो हमारा गुरुत्वीय बल हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण आप लोग जानते ही होंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, जी बराबर होता है। तो जब हम इसको गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में, गुरुत्वीय के फॉर्म में रखते हैं तो गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो वो होता है एफ बराबर एम इंटू जी, ओके, एफ इक्वल टू एम इंटू जी। तो ये हो जाता है हमारा गुरुत्वीय बल। क्लियर है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एम का हो जाएगा केजी, और जी का मैंने बताया जी बराबर ए, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है बल का मात्रक। इसे एसआई पद्धति में न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन एसआई पद्धति में कहा जाता है। जब मैं कभी आपको मापन का चैप्टर बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं जिसमें हम मापन करते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इस क्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन का गति का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का। तो जैसे जब कोई धावक होता है, आप लोग देखे होंगे रेस वेस, जब तो वो जब जहाँ पर खड़ा होता है, शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट दौड़ने से पहले, उसके पीछे पैर के पीछे कुछ टेक लगा हुआ होता है, तो वहाँ से वो एनर्जी को, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही वो आगे बढ़ता है, धक्का देकर एक साथ झटके के साथ आगे बढ़ता है। जितना बल पीछे लगाएगा उतना तेज वो आगे की तरफ फोर्स करेगा, ओके। इसका एक एग्जांपल और है, बंदूक से निकली गोली। जब जो पुरानी बंदूकें आती थी लंबी वाली, तो उसमें तो जब कोई बंदूक चलाने वाला जब बंदूक चलाता था, गोली चलाता था, तब उसे पीछे की तरफ भी झटका लगता था, ठीक है, पीछे की तरफ भी उसमें फोर्स लगता था। जितना बल वो बंदूक द्वारा निकली गोली में लगता था उतना ही वो पीछे की तरफ प्रेस करता था, ओके। अब तो जो पिस्टल्स वगैरह आने लगी हैं ये तो एडवांस हो गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बंदूक से निकली गोली और धावक, जो धावक दौड़ते समय लगाते हैं वो भी। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके बताइए, कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछिए ज़रूर, कोई भी अगर सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं, विस्थापन हो सकता है। मैंने बताया था विस्थापन जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच में की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं विस्थापन, ठीक है, ना कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ओके। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यानी कि प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम बिंदु से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वह हो गई विस्थापन। ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। अभी अगर जहाँ से हम लोग स्टार्ट करें वहीं पर आकर रुक जाएं तो फिर विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ओके। अगर ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रथम नियम क्या है, मैंने आपको बताया था, जब कोई पिंड किसी अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, ठीक है। तो यहीं से न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ओके। अब प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो बल का व्यंजक प्राप्त किससे होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है द्वितीय नियम से। ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर एम इंटू ए प्राप्त होता है बल के, न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है। और न्यूटन के तृतीय नियम को ही कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम और किसका नियम कहते हैं, प्रथम नियम को और किसका नियम कहते हैं? तो इसे कहते हैं जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये हर शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं, और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आपका एक ना एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, इसके बाहर से नहीं आना है, ओके। फिजिक्स जब भी पूछा जाता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठता है। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है इसे। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है बल का व्यंजक गति के किस नियम से प्राप्त होता है? तो मैंने बताया था अभी, गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, एफ इक्वल टू एम टू ए। नेक्स्ट है रॉकेट का सिद्धांत गति के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का सिद्धांत, रॉकेट आप देखते होंगे
जब वो उड़ान भरता है तो नीचे की तरफ ही तेज़ी से ये आग फेंकता है, धुआं फेंकता है, अपना प्रेशर डालता है, ठीक है। यानी कि जितनी तेज़ी से वो ऊपर उड़ता है उतना ही बल वो नीचे की तरफ लगाता है, पृथ्वी की तरफ लगाता है, ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ कि नहीं हुआ, कि जितना वो एक्शन देता है उतना ही रिएक्शन भी होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन नियम यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर ये आधारित है, ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत। नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग मैंने बताया ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2πn, ठीक है, 2πn होता है, n होती है आवृत्ति यानी कि प्रति सेकंड। तो n प्रति सेकंड हो गया, 2π जो होती है ये होती है रेडियन यानी कि कितने रेडियन में चल रहा है। तो ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड होता है ओमेगा का मात्रक यानी कोणीय वेग का मात्रक। तो रेडियन पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं चाल कौन सी राशि है। तो चाल दोस्तों अदिश राशि होती है। चाल और वेग में यही अंतर है कि चाल अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और वेग जो होता है उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वेग में यानी वेलोसिटी में। नेक्स्ट है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना गति के किस नियम पर आधारित है। तो ऊंचाई से जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसे चोट लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो जितना बल लगाएगा जहाँ पर गिरेगा तो कुछ ना कुछ उस पर बल लगेगा यानी चोट करेगा। तो जितना वो चोट करेगा उस पिंड पर उतना ही वो पिंड उस पर चोट करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर मान लीजिए चट्टान पर कोई व्यक्ति गिरता है तो चट्टान पर कोई ना कोई बल लगाया यानी कि इनडायरेक्टली लगाया ना कोई ना कोई बल, तो जितना बल वो चट्टान पर लगाया उतना ही बल चट्टान उस पर लगाएगा यानी एक्शन एंड रिएक्शन हुआ। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम, ओके। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान, ओके। नेक्स्ट है यदि कोई कण 5 मिनट में 1800 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल आ गया आपका। तो समय दिया है 5 मिनट, तो 5 × 60 इसको सेकेंड में हम लोग चेंज कर लेंगे तो 5 मिनट बराबर हो जाएगा 300 सेकेंड। दूरी यानी कि यस हमारा दिया गया है 1800 मीटर, ओके। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 1800 मीटर, इसको सेकंड में चेंज कर लिए तो मीटर पर सेकंड में हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में यानी कि 1800 मीटर अपॉन 300 सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक कण के वेग परिवर्तन की दर 51 मीटर पर सेकंड है तथा समय 3 सेकंड है तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कण का त्वरण ज्ञात करना है यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। वेग परिवर्तन की दर दी हुई है, डेल वी दिया हुआ है 51 मीटर पर सेकंड, 51 मीटर पर सेकंड, समय दिया है 3 सेकंड। तो ए बराबर होता है डेल वी अपॉन टी यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है त्वरण। तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, 17 × 51 होता है तो 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। ये देखिए मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है तो देख लीजिए आप लोग। डेल वी यानी कि 51 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया है 3 सेकंड का, ठीक है। तो 51 मीटर पर सेकंड को 3 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, एक्सीलरेशन बराबर, तो 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है। तो एक किलोग्राम राशि किसे कहते हैं। तो एक किलोग्राम भार को दोस्तों W से डिफाइन किया जाता है, W या इसे गुरुत्वीय बल भी कहा जाता है, F से भी डिफाइन करते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग W से जनरली करते हैं। W बराबर होता है m × g, अभी जो मैंने बताया था गुरुत्वीय बल, ठीक है, F बराबर मैंने बताया था m × a होता है, लेकिन जब हम एक्सीलरेशन ना कहकर ग्रेविटी की बात करते हैं तब हमारा जी यूज होता है। तो F बराबर m × g यानी कि इसे ही कहा जाता है किलोग्राम भार। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है दोस्तों कि m दिया हुआ है, m यानी कि द्रव्यमान इक्वल टू 1 kg दिया हुआ है, 1 kg, तो भार पूछा है। तो भार में जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारा आ जाएगा भार, ओके। तो F बराबर m × a है, m × g भी किसे कह सकते हैं। तो 1 किलोग्राम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, ओके, क्लियर है। तो इसमें 9.8 न्यूटन करेक्ट आंसर होगा।
आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते हैं, तो फिर नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी कुछ लाने वाला हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.